good morning dear friends welcome to chohan classes yesterday we studied our lesson from the diary of annie frank today we shall discuss its multiple choice questions for its better understanding and quick revision so be with me till the end of the video let's start question number first where was annie frank born? annie frank, kajan, tha? option a, netherlands. option b, holland. c, frankfurt. and d, amsterdam. the right answer is option c. annie frank was born in frankfurt. next question. एनी फ्रैंक वाज बोर्न ऑन एनी फ्रैंक का जन्म कब हुआ ऑप्शन ए 12th जून 1943 बी 17th फेब 1942 सी 8th मार्च 1941 एंड डी 12th जून 1929 द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 12th जून ट्वेंटी नाइन एनी वॉज बॉर्न इन अ डैश फैमिली एनी का जन्म किस परिवार में हुआ था यानि कि यहाँ उसके धर्म की बात हो रही है ऑप्शन ए क्रिश्चियन बी जूस सी हिंदू और डी नन ऑफ दबउ द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एनी वॉज बॉर्न इन अ जूस फैमिली एनी बिकेम इल एंड डाइड ऑफ एनी बीमार पड़ गई और इस बीमारी से उसकी मौत हो गई हमने पढ़ा था लेसन में कि एनी 16 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चल बसी तो किस बीमारी से उनकी मौत हुई थी ऑप्शन ए इज इट मलेरिया बी डिजेंट्री

मार्गट फ्रेंक और डी एडिथ फ्रेंक द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एनीज फादर वॉज ऑटो फ्रेंक हु एल्डर सिस्टर ऑफ एनी एनी की बड़ी बहन कौन थी ऑप्शन ए मार्गट बी सैने सी एडिथ एंड डी क्यूपेरस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मार्गट वॉज दी एल्डर सिस्टर ऑफ एनी वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप ए डायरी एनी एक डायरी क्यों रखना चाहती है वो डायरी क्यों लिखना चाहती है ऑप्शन ए बिकॉज शी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स

क्या नाम रखा ऑप्शन ए किटन्स ऑप्शन बी किटी ऑप्शन सी क्यूपेरस एंड डी कैटी द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एनी क्रिस्टंड हर डायरी एज किटी वेन वॉज द डायरी गिवन टू एनी एनी को ये डायरी कब मिली एनी को ये डायरी कब दी गई ऑप्शन ए ऑन हर एलेवेंथ बर्थडे बी ऑन हर ट्वेल्थ बर्थडे सी ऑन हर थर्टींथ बर्थडे और ऑप्शन डी ऑन हर फोर्टीन बर्थडे द राइट आंसर इज ऑप्शन सी द डायरी वॉज गिवन टू एनी ऑन हर थर्टीन बर्थडे वाई वॉज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी एनी के लिए डायरी लिखना एक बड़ा ही अजीब अनुभव क्यों था वो इसे अजीब अनुभव क्यों मान रही थी ऑप्शन ए शी आर नेवर रिटर्न एनीथिंग बिफोर ऑप्शन बी शी डिड नॉट नो हाउ टू राइट ऑप्शन सी नाइद सी नोर एनी वन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट लेटर एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी बिकॉज एनी ने पहले कभी कुछ ऐसा नहीं लिखा था और दूसरा ये कि वो ऐसा मानती थी कि उसकी डायरी में बाद में कोई पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा हु वुड एनी अलाउ टू रीड हर डायरी एनी अपनी डायरी पढ़ने की आज्ञा किसे देगी इट मीन्स वो अपनी डायरी पढ़ने का हक किसे देगी ऑप्शन ए हर सिस्टर ऑप्शन बी हर पेरेंट्स सी अ रियल फ्रेंड इफ शी गॉट वन एंड डी नो वन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अ रियल फ्रेंड इफ शी गॉट वन यानी कि यदि एनी को कोई दोस्त मिला एक सच्चा दोस्त वो सिर्फ उसी को अपनी डायरी पढ़ने का हक देगी वाई डज एनी थिंक शी वॉज लोनली एनी ऐसा क्यों सोचती है कि वो अकेली है ऑप्शन ए बिकॉज शी हैड नो फ्रेंड्स ऑप्शन बी बिकॉज शी हैड नो रियल फ्रेंड्स सी बिकॉज शी वॉज ओल अलोन एंड ऑप्शन डी बिकॉज शी वॉज एन इंट्रोवर्ट द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बिकॉज शी हैड नो रियल फ्रेंड्स क्योंकि लेसन में हमने पढ़ा यानी बता रही है कि उसके तीस दोस्त हैं मगर कोई सच्चा दोस्त नहीं है वाई वॉज सी अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिटिंग फ्रेंड्स देखिए एनी के उसने बताया कि तीस दोस्त हैं मगर अपने उन दोस्तों से वो ज्यादा करीब क्यों नहीं हो पाती है ऑप्शन ए बिकॉज शी डिड नॉट लाइक हर फ्रेंड्स ऑप्शन बी हर फ्रेंड्स वर नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन सी बिकॉज शी कॉन्ट ब्रिंग हर सेल्फ टू टाक अबाउट र्सनल स्टफ एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दबोव द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बिकॉज शी कैनॉट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफने उन एग्जिस्टिंग दोस्तों से अपनी पर्सनल बातें नहीं कर सकती अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकती वाई डिड शी गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली इन द डायरी एनी अपनी डायरी में अपने परिवार के बारे में क्यों लिखती है ऑप्शन ए बिकॉज नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ सी शी राइट इन ऑप्शन बी सी डिड सो टू इंट्रोड्यूस किटी टू फैमिली ऑप्शन सी बिकॉज सी थिंक्स शी वुड फोरगेट फैक्ट्स अबाउट हर फैमिली एंड ऑप्शन डी शी लाइक टॉकिंग अबाउट हर फैमिली द राइट आंसर इज ऑप्शन ए शी डिड सो बिकॉज नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ सी प्लस राइट इन यदि वो एकदम शुरू से यू ही लिखना शुरू करेगी बिना कुछ बताए तो कोई भी समझ नहीं पाएगा इन विच सिटी वर एनी एंड मार्गरेट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर एनी और मार्गरेट को उनकी दादी के पास रहने के लिए किस शहर में भेजा गया ऑप्शन ए बर्लिन ऑप्शन बी आचिन ऑप्शन सी म्यूनिक और ऑप्शन डी बर्न द राइट आंसर इज ऑप्शन बी देवर सेंट टू चिन वोज एनीज लव फॉर हर ग्रैंड मदर एनी अपनी दादी से बहुत प्यार करती है मगर यह बात हमें कैसे पता चली ऑप्शन ए सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर ऑप्शन बी सी मिसेज हर ऑप्शन सी सी लेट हर बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी दाइट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी एनी स्टिल थिंक्स अबाउट हर एंड मिसेज हर वो उनके बारे में बहुत सोचती है और उन्हें बहुत याद करती है हाउ ओल्ड वास एनीज फादर वैन ही मैरिड हर मदर एनी के पिता की उम्र कितनी थी जब उन्होंने उसकी माँ से शादी की Option A. 34 Option B. 35 Option C. 36 And Option D. 37 The right answer is Option C. Annie's father was 36 when he married her mother. Where did her father immigrate in 1933? 1933 एनी के पिता कहाँ रहने चले गए ऑप्शन ए इंडिया ऑप्शन बी हॉलैंड ऑप्शन सी इंग्लैंड एंड ऑप्शन डी फ्रांस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एनीज फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन नाइनटीन थर्टी थ्री वेन डि ग्रैंड मा फॉल इल एनी की दादी माँ कब बीमार पड़ गई ऑप्शन ए 1942 ऑप्शन बी 1941 ऑप्शन सी 1945 एंड ऑप्शन डी 1933 थर्टी राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी ग्रेंड मा फेल इल इन 1941 वेयर डिड एनी स्टार्ट गोइंग टू स्कूल एनी ने किस जगह स्कूल जाना शुरू कर दिया ऑप्शन ए मोंटेसरी नर्सरी स्कूल ऑप्शन बी कीसिंग स्कूल ऑप्शन सी इन फ्रैंकफर्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अब राइट आंसर इज ऑप्शन ए एनी स्टार्टेड गोइंग टू मोंटेसरी नर्सरी स्कूल हु वाज हर टीचर इन सिकस्थ फॉम सिक्स्थ फॉर्म में सिक्स स्टैंडर्ड में उसके टीचर कौन थे ऑप्शन ए मिस्टर के सिंह ऑप्शन बी मिसिज क्यूपरस ऑप्शन सी मिसिज एडिथ होलैंड फ्रेंक एंड ऑप्शन डी मार्गट फ्रेंक द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मिसिज क्यूपरस वज हर टीचर ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिसिस की क्लास इन हर डायरी मिस्टर कीसिंग की क्लास में हुई घटना को एनी ने अपनी डायरी में किस तारीख को लिखा ऑप्शन ए ट्वेल्थ जून 1942। फोर्टी टू ऑप्शन बी ट्वेंटी फर्स्ट जून नाइनटीन फोटी टू ऑप्शन सी ट्वेंटी जून

ऑप्शन ए हु इज मोर टॉकेटिव ऑप्शन बी हु वुड पास द क्लास सी फुटबॉल मैचेस एंड डी अबाउट बेसबॉल मैचेस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी द किड्स बेट अबाउट हु वुड पास द क्लास के क्लास में कौन पास होगा कौन रह जाएगा इसी बात पर शर्त लग रही थी विच सब्जेक्ट वॉज शी नॉट श्योर ऑफ पासिंग एनी को किस सब्जेक्ट पर भरोसा नहीं था उसे किस सब्जेक्ट में डर लग रहा था कि वो फेल हो जाएगी ऑप्शन ए वॉज इट मैथ्स ऑप्शन बी साइंस ऑप्शन सी इंग्लिश एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दब दाइट आंसर इज ऑप्शन ए सी वॉज नॉट श्योर ऑफ पासिंग मैथ्स हुनी कॉल द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रीचर ऑन अर्थ एनी किसे इस धरती का सबसे अजीब विचित्र प्राणी कहती है जिसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो अगले ही पल क्या करने वाला है ऑप्शन ए पेरेंट्स ऑप्शन बी ग्रैंड पेरेंट्स ऑप्शन सी फ्रेंड्स और ऑप्शन डी टीचर्स द राइट आंसर इज ऑप्शन डी एनी कॉल्ड द टीचर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ यानी कि एनी टीचर्स को सबसे अजीब मानती है वाई वॉज मिस्टर की सिंग ए नॉयड विद एनी मिस्टर की एनी से क्यों नाराज थे उसके टीचर मैथ्स के टीचर मिस्टर की एनी से Option A. Because she was not a good student. B. Because she was talkative. C. Because she was rude. And D. All of the above. The right answer is option B. Kissing was annoyed with Annie because she was talkative. Which topic was she? टू राइट एन एस ए ऑन एज अ पनिशमेंट एक सजा के रूप में एनी को कौन सा एस ए लिखना पड़ा ऑप्शन एटरबॉक्स बी एन इनकोजिबल चैटरबॉक्स सी क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स एंड डी ऑल ऑफ दबोव द राइट आंसर इज ऑप्शन डी एनी है टू राइट

हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बींग टेटिव इन द क्लास एनी क्लास में अपने बोलने की आदत को किस तरह से जस्टिफाई करती है ऑप्शन ए सी डिस्कस्ड द सब्जेक्ट इन द क्लास बी सी सैट दैट इट इज हर हैबिट सी सीट दैट इट इज एन इनहेरिटेड ट्रेड फ्रॉम हर मदर एंड यू कैंट डू मच अबाउट इट ऑप्शन डी

B. Father Swan because they quacked much. C. Mr. Kissing because they talked in class. And D. Mother Duck because she did not like them. The right answer is option B. Father Swan killed the three ducklings because they quacked much. Who helped Annie to write the essay in verse? एनी की ऐसे को वर्स यानी कि काव्य में लिखने में किसने मदद की ऑप्शन ए शाइनी ऑप्शन बी सैनी ऑप्शन सी सेंड्रा और ऑप्शन डी सोनी द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सैनी हेल्प एनी टू तो राइट द एसे इन वर्स वर्ड चेंज केम इन मिस्टर की सिंग इन एंड लेसन के अंत में हम मिस्टर कीसिंग में क्या चेंज देखते हैं क्या परिवर्तन होता है ऑप्शन ए ही अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास बी ही स्टॉप्ड गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क सी ही स्टार्टेड मेकिंग जोक्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव दीज वर चेंजेस इन मिस्टर की

Annie Frank was written in Dutch language. What name was her book published with? Annie wo book. Kis naam se chapi? Option A. From the diary of Annie Frank. B. The diary of a young girl. C. Annie Frank. And D. Annie Frank's diary. The right answer is. Option B. Her book published with the title, The Diary of a Young Girl. How many siblings did Annie have? Annie ke kitne bhai the? Option A. One. Option B. Two. Option C. Three. And option D. Four. The right answer is option A. Annie had one sibling and that was her sister, Margaret. Annie Frank's full name was Annie Ka Pura Naam Kya Tha? Option A. Annalise Mary Frank B. Anna Mariam Frank C. Anna Mark Frank and D. Annalise Martina Frank the right answer is option a annie's full name was anneliese mary frank